बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीजेंडर फंक्शन से है। इफ़ एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट पी एन एक्स, यहाँ पर पी एन लीजेंडर फंक्शन को डिनोट कर रहा है और एक्स का मतलब ये एक्स का फंक्शन होगा, यानी इसकी वैल्यू एक्स की फार्म में आएगी, इज इक्वल टू वन अपन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट ज़ीरो टू पाई एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस फाई होल पावर एन डी फाई। ध्यान रहे कि ये इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में है और इसकी जो लिमिट है फाई की ज़ीरो टू पाई है और यहाँ पर एक्स जो है वो फाई के लिए तो कॉन्स्टेंट होगा और ये वैल्यू जो है वो पी एन एक्स के इक्वल है। हमको ये प्रूव करना है। यहाँ पर जो पी एन एक्स है, यानी यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है वो कहलाता है लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर पी एन, और ये पी एन जो है वो अब पहले बता चुके हैं लीजेंडर फंक्शन को डिनोट करता है। और जैसे कि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस से जानते हैं फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस, इसको प्रूव करने के लिए कैलकुलस हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू पाई डी फाई, यहाँ पर वेरिएबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी कॉस फाई, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, आप फाई या एक्स कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसी फार्म में प्रूव करना है इसलिए यहाँ पर हमने फाई लिया है, पाई अपान स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से। इस फार्मूले के यूज़ करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ सब्सटीट्यूशन को याद भी रखना होगा कि इस प्रॉब्लम को यानी इसको प्रूव करने के लिए ये सब्सटीट्यूशन है, उसके लिए पुट करना होगा। पुटिंग ए की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे वन माइनस टी एक्स पुट करेंगे और बी की वैल्यू है टी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इससे हम वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में रखेंगे, ताकि हमें जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर जनरेटिंग फंक्शन मिल जाए लीजेंडर पॉलीनोमियल के लिए जनरेटिंग फंक्शन मिल जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू को इन्हीं वैल्यू का यूज़ करते हुए रखेंगे। सबसे पहले तो ए की वैल्यू पुट करना है जो कि वन माइनस टी एक्स है, इसका होल अब स्क्वायर माइनस, फिर वी की वैल्यू रखेंगे और ये वैल्यू है टी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी वन माइनस टी एक्स होल अब स्क्वायर, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी का स्क्वायर और स्क्वायर हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है ताकि ये दिखा सकें हम कि जनरेटिंग फंक्शन फॉर ये वैल्यू जो है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लीजेंडर पॉलीनोमियल है। तो उसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इन दोनों क्वांटिटी का इंटू कटवाइज यानी टू इंटू वन इंटू टी एक्स। उसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर टी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर। आप देखें कि ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस और ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा, वन का स्क्वायर तो वन होता है और ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू हो जाएगी टू इंटू एक्स इंटू टी, यानी एक्स को पहले लिया टी को बाद में लिख दिया हमने, लास्ट टर्म ये टी स्क्वायर है और ये वैल्यू हमने फाइंड की थी वो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की है वैल्यू है।
अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। और स्क्वायर रूट को अगर ना लगाना चाहें तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में लिख सकते हैं, यानी पावर इसकी 1/2। और इस वैल्यू को उठा के हम जो जैसे कि हमने शुरू में बोला था इंटीग्रल कैलकुलस से ये रिज़ल्ट जो था हमारे पास, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसे इक्वेशन हमने 1 डाल रखा है और ये वैल्यू वहाँ पर जाके पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू ये पुट करेंगे तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी लिमिट 0 से पाई है वो लिखेंगे, और डी फाई और अपान में जो ए की वैल्यू, क्योंकि हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू को हमें रखना है 1 - tx रखना है। तो ये वैल्यू भी पुट करते हुए चलें, 1 - tx। उसके बाद यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है, ए बी के बीच में वो लिख दिया, फिर बी की वैल्यू जो कि ऊपर पुट करने को बोला था वो रखना है। यहाँ पर पुट कर रहे हैं टी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसमें बी में मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी ये बी की वैल्यू है कॉस फाई से, और राइट हैंड साइड में था ये पाई, और जो यहाँ पर स्क्वायर रूट है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो ये लिख देंगे 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें हमने 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि आपने जब भी कभी पढ़ा होगा लिजेंडर जनरेटिंग फंक्शन फॉर लिजेंडर पॉलिनोमियल, उसमें ये पावर क्योंकि ऊपर अभी जाएगी तो निगेटिव में पड़ी होगी 1/2, तो इसलिए इसको 1/2 इस तरीके से लिखा है, स्क्वायर रूट नहीं लगाया, क्योंकि अब ऊपर जब ले जाएंगे न्यूमरेटर में पावर निगेटिव हो जाएगी। और फिर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख लेते हैं, और इस टर्म को राइट हैंड साइड में, क्योंकि मैं पी एन की वैल्यू जब निकाला है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी क्वेश्चन में प्रूफ में, तो वैसे ही हम करेंगे जिसका हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख देंगे पाई, और इसके साथ इस पावर को जो ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये पावर जो 1/2 थी प्लस की माइनस की 1/2 हो जाएगी, तो 1 - 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2, और राइट हैंड साइड में इस टर्म को लिख देंगे। और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे 0 to π और डी फाई, और इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो पूरा पूरा न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, जिस तरीके से इसको ले गए थे न्यूमरेटर पावर माइनस हो गई थी, ऐसे ही हम इस पूरी वैल्यू को अगर हम एक ब्रैकेट में कर लें तो अभी इस ब्रैकेट की पावर 1 है प्लस की, और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी जो डिग्री होगी पावर होगी वो माइनस के 1 हो जाएगी। तो इस पूरे को हम ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - tx, और ये है प्लस माइनस टी, और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट ये वैल्यू रख रहे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो कॉस फाई होल पावर, अभी ये प्लस 1 है नहीं लिखी है, तो न्यूमरेटर में लगे तो माइनस 1 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर माइनस 1 लिखने के बाद डी फाई लिख दे, जैसे कि यहाँ पर हमारा है। अब इसमें थोड़ा सा और हम सिंपली करने के लिए इन दोनों टर्म्स में से, यानी ये प्लस माइनस है यहाँ पर, ये टी एक्स है और ये पूरा टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में से टी को माइनस टी को कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको ये मालूम है जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, ये जो वैल्यू है वो कहलाती है जनरेटिंग फंक्शन फॉर लिजेंडर पॉलिनोमियल, और जिसको हम सिग्मा नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं। अगले पेज को देख रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई में पहले से था तो उसको तो हम एज इट नोट कर दे रहे हैं, उसके बाद में हम जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू सिग्मा की फार्म लिख दें, सिग्मा n = 0 to ∞। ये आपको याद होगा जनरेटिंग फंक्शन t^n, और यहाँ पर लिखेंगे pnx, और राइट हैंड साइड में जो चल रहा था उसको जैसे कि अभी हमने बोला टी हम कॉमन ले लेंगे, 0 से π है, 1 - t को कॉमन लेने के बाद जो अब बचेगा उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं। जब हम यहाँ से t कॉमन लिया तो यहाँ पर x बच रहा है, और ये साइन प्लस माइनस था, तो अब माइनस साइन कॉमन लेने पर ये माइनस हो जाएगा और ये साइन प्लस हो जाएगा।
टी कॉमन लेने पर पहले तो एक्स लिखेंगे, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, और फिर टी बाहर होने पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई में चल रहा है इस पूरे स्क्वायर रूट में कॉस फाइव और होल पावर, और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, और होल पावर माइनस वन डी फाइव। और मेरे लिए आसानी रहेगी तो इस पूरी वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेटिंग एक्स माइनस प्लस जो हमारा कर्ली ब्रैकेट में वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू कॉस फाई, इसको हम यू से डिनोट कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पाई एन सिग्मा एन इजिकल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी टू टी टू पावर एन पी एन एक्स इजिकल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो टू पाई वन माइनस टी, और पूरी वैल्यू को ये लिखा है इसको हमने यू से लिखा है, और होल पावर माइनस वन है डी फाई। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इस पावर को अपान वन अपान में करके लिखते हैं प्लस हो जाएगी, और फिर हम अगर हम चाहें तो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन कर देंगे। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग जानते हैं कि जब पावर एन इंडेक्स होती है यानी पावर नेगेटिव भी हो तब हम वन प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन होता है जनरल फॉर्म में वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल सॉरी टू यहाँ पर फैक्टर वन होता है एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसी ये पावर एक एक बढ़ती रहेगी, और यहाँ पर फैक्टर भी एन एन माइनस टू अपान फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इन्फाइनेट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। अब हमें जो कि इसमें स्पेशल केस थोड़ा सा बनाना है यानी एन की वैल्यू में देखना है कि माइनस का वन है, तो यहाँ पर अगर माइनस वन रखेंगे तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन अगर करते हैं तो थोड़ा और ये अलग स्पेशल फार्म में आ जाएगा, तो एन की यहाँ पर माइनस वन रख के और सिंपलीफाई इसको कर लेते हैं। माइनस वन हालांकि ये एक्सपेंशन हमको याद होना चाहिए तो इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, माइनस वन जहाँ पर भी एन मिल रहा वहाँ पर माइनस वन पुट करके ये जनरल फार्मूला जो था उसको हम पर्टिकुलर फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अपने लिए यहाँ पर यूज़ कर सके, ये क्योंकि यही फार्म है वन प्लस क्यों माइनस को हम इसके अंदर डाल सकते हैं उसकी पावर एन। लेकिन यहाँ पर अब एक्स की जो पावर है यहाँ पर इनके बिटवीन साइन माइनस है तो यहाँ पर भी बिटवीन साइन माइनस करने के लिए हम इसको एक्स की जगह पर अगर माइनस कर देंगे यानी बाकी चीज़ें तो सेम वैसे ही रहेंगी लेकिन वन माइनस एक्स एक्स जहाँ पर भी होगा वहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगे, तो वन प्लस माइनस वन तो था एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर देंगे अपान फैक्टोरियल वन प्लस माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस वन माइनस का टू हो जाएगा, और एक्स की जगह पर सिर्फ माइनस हमें करना है। ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए जो बनेगा बाद में चल के, माइनस वन माइनस टू यहाँ पर इसको दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम दिखा दे रहे हैं फिर भी माइनस वन की माइनस एक्स की पावर यहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स कर दिया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और फैक्टर वन की वैल्यू वन होती है, प्लस माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस होगी टू इंटू यानी वन इंटू टू ही लिखा रहने दें क्योंकि फैक्टर टू की वैल्यू वन इंटू टू होती है, और माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो रही है प्लस, और ये वन टू से पूरा पूरा कैंसिल भी हो जाएगा, ऐसे ही माइनस इन दोनों का अगर इंटू करें तो प्लस का हो जाएगा वन इंटू टू, और यहाँ पर माइनस वन माइनस एक्स का क्यों करेंगे माइनस माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा थ्री इंटू एक्स क्यू अपान में फैक्टर थ्री की वैल्यू वन इंटू टू इंटू थ्री होती है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आगे भी टर्म में ऐसा होगा कि वन प्लस एक्स होगा फिर एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यू होगा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, यानी जब वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन होता है तो आप वन लिखने के बाद एक्स की पावर एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ये फार्मूला ये डायरेक्ट हमको याद होना चाहिए जो हम अपने इस में यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पर टी एक्स है और एन की जगह पर माइनस वन है, यानी इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो माइनस वन तो है ही है, यानी इसमें सिर्फ एक्स देखना है जो कि टी यू के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को फिलहाल हम ऐसे लिखा रहने देंगे पाई सिग्मा एन इजिकल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन पी एन एक्स, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसमें इंटीग्रेशन तो का जो साइन है उसको एज इट लगा रहने देंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं, सिर्फ हमें बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर ये यूज़ करना है, तो वहाँ पर एक्स की जगह पर टी यू है
तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की जगह पर हम टी यू लिख देंगे, फिर टी यू का होल आप स्क्वायर करेंगे, फिर टी यू की पावर 3 करेंगे। ऐसे ये टी यू की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक बार एन भी पावर होगी टी यू की, और फिर एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। लास्ट में हमें डी फाई लिखना है, हमने इसका एक्सपेंशन किया है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, लास्ट में हमें डी फाई लिखना है। अब दोनों तरफ हम टी की पावर एन के कोएफिशिएंट के कंपेयर करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम और एक स्टेप में बढ़ा दें, पाई सिग्मा एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी टू द पावर एन पी एन एक्स, और राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर दें ऐसा कि 1 प्लस टी इंटू यू, और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो टी का स्क्वायर भी हो जाएगा, यू का स्क्वायर भी हो जाएगा, और टी क्यूब करना है उसका होल क्यूब करना है तो यहाँ पर टी का भी क्यूब हो जाएगा, यू का क्यूब हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर एन पावर है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टी की पावर भी एन हो जाएगी, यू की पावर भी एन हो जाएगी, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म जो यहाँ पर डी फाई है। हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसको दोनों साइड में कह सकते हैं कि टी की पावर एन का एक्सपेंशन कर दें, या हम लेफ्ट हैंड साइड को आप चाहें तो इसको देख लें कि पाई जो है वो यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है, और फिर हम टी बराबर सिग्मा को जब ओपन करें तो एन की वैल्यू पहले ज़ीरो रखेंगे यहाँ पर, तो टी की पावर ज़ीरो की वैल्यू तो वन हो जाएगी, तो यहाँ पर ओनली पी ज़ीरो एक्स आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा टी की पावर वन और पी वन एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एन की वैल्यू जब टू आएगी बढ़ते बढ़ते, इस तरीके से हम इनफाइनाइट तक इसको ले जाएंगे, प्लस टी की पावर टू पी टू एक्स, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर एन तक पहुँचेगी तो ये टी की पावर एन पी एन एक्स हो जाएगा। इस स्टेप को लिखना ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस एंड सॉन टू इन्फिनिटी तक हो गया ये। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो आप कुछ भी चेंज नहीं करना, क्यों पहले से सॉल्व है, यहाँ पर इंटीग्रेशन चाहे आप हर एक टर्म पर अलग अलग बांट सकते हैं, लिमिट वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, और फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था वो वही रहा, इसमें हमने एक्स में चेंज किया जो कुछ किया, तो वन प्लस का वहाँ पर था टी यू था, फिर टी स्क्वायर यू स्क्वायर था, प्लस यहाँ पर टी क्यू और यू क्यू था, प्लस एंड सो ऑन, प्लस टी की पावर एन और यू की सॉरी टी की पावर एन और यस यू की पावर एन और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी है डी फाई, और दोनों में दोनों तरफ चूँकि ये पॉलिनोमियल है और आपस में कुल जब होता है तो उसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, इसलिए हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ पर, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ टी टू दी पावर एन, जो कि हमें प्रूव करना है वो तभी मिलेगा जबकि हम टी की पावर एन के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ से फॉर्म बोथ साइड दोनों साइड से हम कंपेयर करेंगे, बराबर रखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे पाई का इंटू हर एक टर्म में होगा, पाई का इंटू जब टी की पावर एन वाले टर्म में होगा तो टी की पावर एन का कोएफिशिएंट मिलेगा पाई यहाँ से और पाई यहाँ से और पी एन एक्स वहाँ से, जो तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन का साइन हर एक टर्म पर जब अप्लाई होगा तो टी चूँकि ये फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के साइन से हम टी की पावर एन को बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेट सिर्फ यहाँ पर होगा यू की पावर एन का, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट टी की पावर एन का कोएफिशिएंट हो जाएगा ज़ीरो से एन, और यू की पावर एन का इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में ये होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू भी यू की जो मानी थी वो वापस कर देंगे, और हमें पी एन की वैल्यू फाइंड करना है तो पाई से डिवाइड कर देंगे, यहाँ वन का इंटू मान सकते हैं, वन अपन पाई हो जाएगा, लिमिट ज़ीरो से पाई चल रही है वही रहेगी, और यू की वैल्यू जो अपनी तरफ से हम लोगों ने मानी है ये जो मानी थी उसे वापस में पुट कर देंगे, एक्स माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस फाई, और यहाँ पर एक्स माइनस प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस फाई है, ये यू की वैल्यू वो यहाँ पर हमने पुट कर दी है, लेकिन होल पावर इसकी एन है डी फाई, क्योंकि ये प्रूव करना उसमें प्लस माइनस है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले कौन सा साइन है, ये माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये लिजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स की जो वैल्यू है उसको हम इस फार्म में भी लिख सकते हैं, वन अपन पाई ज़ीरो टू पाई एक्स
और प्लस साइन पहले लिख देते हैं, माइनस बाद में लिख देंगे, और स्क्वायर रूट सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन पर, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस फाइव पे, और ये फाइव के होल पावर है ना, फाइव के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। ये जो रिजल्ट आया ये जैसे कि पहले बताया था लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर पी एन एक्स कहलाता है, यानी लीजेंडर पॉलीनोमियल कहलाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।